भाई ये बर्लिन की नाइट, क्योंकि उस दिन हमने नाइट व्यू नहीं देखा था बर्लिन का, जस्ट डे व्यू देखा था। तो आज आप लोग ये बर्लिन की नाइट व्यू देख सकते हैं। गाइस ये ट्राम खुली हुई है, ये देखें यहाँ पे लोगों ने अपना बिस्तरा बिछाया हुआ है, लोग सो रहे हैं यहाँ पर गलियों में भी। और मैं भी एक मार्केट जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया, ऑलमोस्ट तो मार्केट्स क्लोज ही हैं यहाँ पे। जर्मनी डेवलप है काफ़ी, बहुत डेवलप है ये उन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, जर्मनी बहुत आगे लग रहा है मुझे। कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने यहाँ पर, बिल्कुल ही इस रिवर के सामने, पीछे से वो सेंट्रल स्टेशन है आई थिंक। और ये रेडस्टॉक बिल्डिंग जर्मनी की बहुत फेमस बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रेडस्टॉक बिल्डिंग, और रेडस्टॉक बिल्डिंग के सामने एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर। और उसके थोड़ा सा 5-10 मिनट की वॉक करेंगे तो ब्रंडनबर्ग गेट आ जाएगा, जो जर्मनी का बहुत फेमस गेट है। यहाँ पर ये बिल्डिंग है जो मैंने आपको बताई पहले, और सामने वो बर्लिन टावर, इट्स लुक रियली अमेजिंग बर्लिन टावर। और मैं अभी लीव कर रहा हूँ यहाँ से टर्की के लिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ टर्की। वैसे भी काफ़ी टाइम रहा हूँ टर्की में, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। गाइस ये जर्मनी का बहुत बड़ी फेमस प्लेस है रेडस्टॉक बिल्डिंग, डेम डियोस्चेन वॉल्क है। ये टूरिस्ट प्लेस है बहुत बड़ी यहाँ की, और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से इस बिल्डिंग को देखने के लिए, रेडस्टॉक बिल्डिंग को देखने के लिए। और इसके सामने जो मैंने आपको बताया था पार्क, ये है वो पार्क, और सामने इसके मेट्रो स्टेशन है जो कि एयरपोर्ट जाएगी मेट्रो, तो वैसे भी मुझे एयरपोर्ट जाना ही है 4 बजे तक, लेकिन अभी 1 बजा है। गाइस ये बर्लिन का बर्लिन हापूट बानहोफ मेट्रो का स्टेशन है सिटी सेंटर के अंदर। ये बस स्टेशन नहीं है, ये रिमेम्बर दिस थिंग दैट इट इज़ नॉट अ बस स्टेशन, इट इज़ अ ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। ओके, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन एक ही समझते हैं, बट एक्चुअली इन बर्लिन इट इज़ नॉट, इट इज़ डिफरेंट सेपरेट। वो सामने देखें ट्रेन्स जा रही हैं, यहाँ से आपको हर ट्रेन मिल जाएगी जर्मनी से डिफरेंट कंट्रीज जाने की भी। इवन पीछे रेडस्टॉक बिल्डिंग थी, और ये पार्क में से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रेनें चल रही हैं। वो सामने भी आप देख सकते हैं रेलवे लाइन है बर्लिन का बहुत बड़ा, इसके सामने पुल बनी हुई है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं सिटी रूम, फर्स्ट डे पे भी मैंने ये आपको दिखाया था सारा, लेकिन दोबारा से मैं आपको ये विजिट करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो इसलिए लोग जॉगिंग करते हैं। ये सामने स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है यहाँ पे जर्मनी के अंदर, वो सामने रेडस्टॉक बिल्डिंग, और सामने बर्लिन टावर, और ये हम जा रहे हैं बर्लिन हॉपसनोफ पे। और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे और विज़िट किए। नॉर्दर्न साइड ऑफ यूरोप में नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ठंड थी, नॉर्वे में नॉर्दर्न लाइट्स हैं बहुत खूबसूरत हैं वो, बट आई कुडंट गो देयर। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये ऊपर वाले इलाके रह गए,
बाकी नीचे वाले साउथर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप मैंने तकरीबन सारा विजिट कर लिया, सो आई एंजॉयड अ लॉट. कम, यू आर गोइंग टू एयरपोर्ट नाउ इन द मेट्रो. तो गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल करीब बर्लिन हॉप बानोफ के स्टेशन के करीब. पीछे से टैक्सियाँ भी हैं और यहाँ पे तकरीबन जो भी फ्लाइट्स उतरती हैं और जो सेंट्रो सिटी आते हैं बंदे, वो यहीं पे उतरते हैं जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं. जो टैक्सी में ट्रैवल करते हैं वो तो नहीं, बाकी जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं वो तो पहले यहीं पे ही उतरते हैं. मैं बर्लिन काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी. ब्रंडनबर्ग गेट देखा, रेक्सटैग बिल्डिंग देखी, बर्लिन टावर, पीछे से क्रिसमस मार्केट थी वो विजिट की मैंने, और बर्लिन सेंट्रल बस स्टेशन भी मैंने यूज़ किया था. मैं गया था स्पेन, तो इसलिए सॉरी स्पेन नहीं, नीदरलैंड्स. या तो काफ़ी इंजॉय किया. ये मैं हो रहा हूँ इसमें इंटर. अब ये क्रिसमस ट्री लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था. ये मार्केट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं. मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ख़रीद लूँ यहाँ से, ख़त्म कर लूँ सारे यूरोस. तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या मिलता है मुझे, क्या मुझे पसंद आता है. लेट्स गो. गाइस, ये यहाँ बर्लिन हॉपनहॉफ स्टेशन पे 8 लाइंस हैं, मेट्रो लाइंस हैं, जो कि डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एरियाज में जाती हैं. ये एक गाड़ी, एक जो ट्रेन है वो निकल गई एयरपोर्ट वाली, क्योंकि मुझे चाहिए थी टिकट. तो टिकट जैसे ही मैंने परचेज़ की तो उसका टाइम हो गया मेट्रो का, वो तो निकल गई. वो पीछे ट्रेन एक और आई है. ये जो ट्रेन है ये जाएगी रॉकस्टॉक HBF पे, और इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी एयरपोर्ट की दोबारा से रॉकस्टॉक HBF. और वैसी ऐसी ही है, इस तरीके से ही है जो एयरपोर्ट जाएगी ट्रेन, और उस पर लिखा होगा एयरपोर्ट टर्मिनल. और सामने ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे भी आपका लिखा हुआ है सब कुछ. ये आप सेंट्रल स्टेशन देख सकते हैं, ये 3rd एंड 4th प्लेटफॉर्म है, ये 5th एंड 6th प्लेटफॉर्म है, वो 7 एंड 8 प्लेटफॉर्म है, और वो आगे 1st एंड 2nd प्लेटफॉर्म है. तो तकरीबन 8 ट्रेन इससे एक जगह से निकलती हैं, एक जगह से जाती हैं. अम्स्टरडम की भी यहाँ से जाती हैं, नीदरलैंड्स की मेट्रो डायरेक्ट. और ये आप डी प्लेटफॉर्म है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. ऊपर शॉपिंग मॉल बना हुआ है, शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग सेंटर है, और नीचे जो है वो ट्रेनें जा रही हैं, मेट्रोज जा रही हैं डिफरेंट लाइंस पे. अभी 2:57 पे बर्लिन टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो है वो आएगी. हम खड़े हैं बर्लिन हॉपनहॉफ स्टेशन पे, जो कि इनका मेन सेंट्रल स्टेशन है. और वो कहाँ जाएगी गाड़ी, वो सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो सामने स्क्रीन से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी. और मशीनें जो होती हैं इनकी मेट्रो की टिकट लेने के लिए, वो आपको वहाँ से सामने से मशीनें मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, और वहाँ से स्कैन करेंगे और वो टिकट आपको आगे भी काम आएगी. तो गाइज, हमारी ये फ्लुगान एक्सप्रेस आ गई है, फेक्स टर्मिनल बोलते हैं इसको, फेक्स बर्लिन टर्मिनल. ये जाएगी सीधा एयरपोर्ट, फ्लुगान एक्सप्रेस जाती है बर्लिन से एयरपोर्ट तक.